जैसे कि हम देख सकते हैं श्रीदेवी का कल रात अकाली आकस्मिक निधन हो गया है, और हम देख सकते हैं श्रीदेवी के घर, श्री जी के घर के बाहर यहाँ पे बहुत सारे फैंस की भीड़ है। एक यहाँ पे उनकी फैंस दिख रही है हमें, जो हाथ में तस्वीर लेके उनकी, और बहुत ही भावनिक लग रही है। हम उनसे पूछेंगे कि श्रीदेवी के बारे में उनकी कौन सी ऐसी यादें हैं जो उन्हें आज उनकी आंखों में आंसू हैं। हमें बताइए, श्रीदेवी से पहली बार कब मुलाकात हुई थी और ये तस्वीर कब खींची थी आपने? मैं भी आर्टिस्ट ही हूँ, इसी इंडस्ट्री में काम करती हूँ। मेरा नाम मोना पारेख है, और मैम से मेरी मुलाकात ईयर 2004 में हुई थी। दैट टाइम आई वॉज डूइंग चंद्रकांता विद सुनील अग्निहोत्री सर इन अ फिल्म सिटी, और ये आर्मी फिल्म की शूट कर रहे थे। शाहरुख खान जी भी थे, सरोज खान जी भी थे कोरियोग्राफी में। और जैसे ही मैं इनके पास पहुंची और जब मैंने इनको देखा, तो मुझे लगा कि मुझे मेरा भगवान दिख गया, मुझे मेरा गॉड दिख गया। क्योंकि जब से मैं पैदा हुई हूँ तो शी इज़ लाइक माई इंस्पिरेशन, और उनको देख देख के, उनके गानों पे परफॉर्म करके, चाहे घर पे हो या स्टेज पर हो। 19 तारीख को वो यारी रोड पे बहुत अच्छे प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट आए थे। उन्होंने रोटी सब्जी कोई संस्था है, उनका इनोग्रेशन किया है। मैंने उनको भीड़ में से आवाज़ भी दी, मुलाकात नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, तो उन्होंने ऐसा हाथ भी किया, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा हाय उन तक पहुँचा ज़रूर है। ओके, सो आई एम हैप्पी। और मैंने उनके साथ मालिनी अय्यर में भी काम किया है, तो वो दो एपिसोड मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, और इनकी ये फ़ोटो मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी भी ये चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही है कि वो हमारे बीच नहीं है। हमने अभी देखा कि आपके आंसू में आंसू थे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फैमिली, आपका फैमिली का कोई सदस्य जाता है तो ये मेरे लिए मेरा फैमिली मेंबर ही है और हमेशा रहेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, बिकॉज मैं भी यहीं अंधेरी वेस्ट यारी रोड पे ही रहती हूँ। मेरे घर से बेहद मतलब नज़दीक है इनका लोकेशन। मैंने सोचा कि आएंगे तो मैं उनका अंतिम दर्शन करके, उनको प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद ले लूँगी। जैसे दूसरे आर्टिस्ट है, लोग हैं, फैंस हैं, आएंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ। पर ये मेरा सद्भाग्य रहा कि मैंने उनके साथ काम किया, और जब वो सेट पे आती थी, सबको जो प्रणाम करती थी और सबको एक तरह से ट्रीट करना, कोई वो स्टारडम का वो उनका वो बिहेवियर दिखाना है तो कुछ भी नहीं था। शी इज़ अ ग्राउंडेड एंड शी इज़ सो काइंड। हमारे दुनिया में ऐसा इंसान, इंसानियत दोबारा नहीं पैदा हो सकती, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो आप मुझे बताइए, अभी अंतिम यात्रा में उनकी बहुत देरी होने वाली है, हमें अभी समझा है कि रात होने वाले, तो रात तक आप यहाँ पर रुकेंगी? हाँ, मैं ज़रूर रुकना चाहूँगी, मैं तो वेट कर ही रही हूँ उनका। हो सके तो मैं सिर्फ मेरी मम्मा को सेंड कर दूंगी घर पे, एंड आई एम स्टिल हियर वेटिंग फॉर हर ओनली, क्योंकि एनी हाउ मुझे बस उनको देखना है, उनके पैर छूने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। थैंक यू। हम देख सकते हैं कि उनकी हाथ में तस्वीर है, तस्वीर में ये आप ही है? जी हाँ, ये मैं हूँ। श्रीदेवी जी की सिग्नेचर आप देख सकते हैं। जैसे हमने देखा अभी, श्रीदेवी जी के घर के बाहर उनके फैंस की बहुत भीड़ है, तो इसे आप अपडेट्स के लिए ऐसे ही आप हमें देखते रहिए, लाइव देखते रहिए। हम यहीं से लाइव है आज दिन भर। कैमरा पर्सन मानस गुरु के साथ वैष्णवी गवांडकर, लोकमत.com।